गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग पे। डेली ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस घर। आज थोड़ा मन आउटिंग का किया फैमिली के साथ, तो आसपास नियरेस्ट काफ़ी टाइम से लोकेशन देख रहा था कहाँ थोड़ा सा आउटिंग कर पाऊँ। सबसे अच्छा आपको एक जगह बताऊँगा जहाँ पर आप बहुत अच्छा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अच्छा सा रेस्टोरेंट है, अच्छा सा होटल है और अच्छे से बजट के अंदर है। इस वीडियो की में लास्ट तक बने रहिएगा गाइस, बहुत बढ़िया है। मानेसर का सर्वाइस रूट्स के अंदर हूँ मैं इस समय। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आया हूँ वन नाइट स्टे करने के लिए। आपको मैं अंदर का भी बहुत अच्छा सा पैटर्न दिखाऊंगा, प्राइसिंग की बात भी बताऊंगा कि कितने प्राइसिंग में मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। बस इस वीडियो को लास्ट तक बनी रहिए, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं होटल के अंदर। होटल के अंदर एंट्रेंस में आपको एक वाइड रिसेप्शन है। रिसेप्शन पे आपको 3 वॉचेस दिखेंगी जो अलग अलग कंट्री को डिनोट करती है। फ्लैगशिप सीखेंगे आपको रिसेप्शन पे ही। आपको वाटर प्लस डिटॉक्स वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। कुकुम्बर लेमन और एप्पल का कॉम्बिनेशन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है जिससे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। साथ में नॉर्मल वाटर आपको मिल जाता है। चलिए ट्राई करते हैं। ठीक है, डिटॉक्स है, पता नहीं डिटॉक्स होता क्या, मगर ठीक है। अगर आप होटल की चेक इन और चेकआउट की बात करते हैं, चेक इन यहाँ पे 12 बजे का आपने बताया, चेक इन 2 बजे, चेक इन 2 बजे का है और चेकआउट 12 बजे का है। मगर हमने साइट पे देखा था 12 to 12 था, हो सकता है थोड़ा साइट पे मिस लीड आपको हो, तो आने से पहले एक बार आप होटल में भी कंफर्म करके ही एंट्री कीजिएगा, राइट ना भैया? थैंक यू। चलिए कीज तो मिल गई है, चलिए चलते हैं रूम के अंदर। एंट्रेंस में ही आपको एक ह्यूज ड्राइंग रूम मिल जाता है जिसमें आप देखते सारे आपकी आधी थकान वही खत्म हो जाती है। ड्राइंग रूम के साथ अब हल्का सा अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो राइट टर्न में आपको किचन मिल जाता है सुपर। इस किचन में दोस्तों आपको हर एक चीज़ मिलेगी आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। सिंक भी आपको मिलता है, आपको टोस्टर मेकर मिलता है, टी मेकर मिलता है, आपको इंडक्शन मिल जाता है। इजली आपको चीज़ को गर्म करना है बनाना, तो इसलिए आप कुक बेक कर सकते हैं। माइक्रोवेव आपको मिल जाता है, कुछ चीज़ बाहर से लाते हैं तो आप उसको भी इसके अंदर ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। साथ में आपको एक प्रॉपर फ्रिज मिलता है। क्रोकरी की बात करूँ तो आप कुछ भी खाने पीने के यहाँ पर आएंगे तो आपको क्रोकरीज भी चाहिए, आपको होटल में कहीं भी मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको इजीली क्रोकरी भी मिल जाती है। देख सकते हैं आपको स्पून्स यहाँ मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको छोटा सा सामान भी मिल जाता है। डाइनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप इजीली यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ बैठ के डाइनिंग भी कर सकते हैं। डिनर ब्रेकफास्ट आपको जो करना है आप इजीली रूम में कर सकते हैं। किचन के अंदर आपको यहाँ पे बैठने का भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे पूरी किचन का आपको मैं लुक दिखा रहा हूँ। ये गाइस एक तरह से 1 BHK रूम कह लो जो होटल के अंदर आपको मिलता है सर्वोई सूट्स के अंदर। आपको इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा अगर आपने वन नाइट स्टे करना है दिल्ली के आसपास। अगर आपकी लोकेशन देख रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा नाइट स्पेंड करके या थोड़ा फैमिली साथ गेट टुगेदर करके काफ़ी चीज़ों को आप अपने माइंड से रिलैक्स फील कर सकते हैं। किचन के बाद आपको मैं एक छोटा सा ड्राइंग रूम दिखाता हूँ जहाँ पे आप इजीली फैमिली साथ बैठ के भी गेट टुगेदर कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल आपको मिल जाता है, डाइनिंग टेबल के साथ आपको यहाँ पे सोफे भी मिल जाते हैं, आप इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि जैसे रिधाना भी मस्ती कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको बाहर का नज़ारा देख रहे हैं तो आइए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ ये देखिए। आप देख सकते हैं कितना बेस्ट व्यू है आपका बाहर का, मानेसर का व्यू है। पीछे थोड़ा हिली एरिया, हल्का सा एरिया है और आपके सामने लुक्स आप देख सकते हैं हिली की। फ्रेश होने के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। मैं जैसे ही आया ना थोड़ा टायर्ड फील कर रहा था दिल्ली के जाम से, मगर जैसे ही मैं यहाँ पे आया इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ गाइस, कोई वर्ड नहीं है। चलिए अब आपको मैं रूम तो दिखाऊं, सबसे बेस्ट जो चीज आप लास्ट में रह गई थी, आइए
आइए सर्वे सूट के अंदर सबसे बेस्ट आपकी रूम की थीम है। आप रूम की थीम देखिए, इतना ही प्यारी आपकी रूम की थीम है। रूम के अंदर भी आपको एक खिड़की मिलती है जिसके अंदर आपके पास पीछे का पूरा नजारा होता है, साथ में आपको टीवी तो आपको फोटो सोलर लगा के दिया है, और बैग तो भाई साहब अल्टीमेट है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है। रिजान देखो कितनी अच्छे से मस्ती कर रहा है यहाँ पे। आई होप मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। आइए एक नजारा मैं वॉशरूम में भी दिखाता हूँ। वॉशरूम आपको रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, बोलने की जरूरत है नहीं। आइए ना, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब आप ड्राइंग रूम ले लो या बेडरूम ले लो, दोनों के अंदर इन्होंने वाइड एंगल की ना विंडो दे रखी है, जिसके थ्रू ना इजीली बाहर को आप देख सकते हैं। आपको मैं उसको रूम में भी दिखाऊं, ये देखो, मतलब अल्टीमेट नजारा आपको बाहर का इजीली कैच आउट हो जाता है इसके अंदर। चलिए चलते हैं हम इसके थर्ड फ्लोर पे, जहाँ होटल में आपको जिम और स्विमिंग पूल दोनों मिल जाता है। चलिए देखते हैं इसका नज़ारा भी। राइट हैंड साइड पे आपको ग्रीन जोन मिल जाता है, जहाँ बहुत अच्छी ग्रीनरी कर रखी है होटल ने, साथ में ही आपको जिम का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप अगर आपने मॉर्निंग में जिम करनी है तो आप जिम भी इजीली कर सकते हैं, जो हमारी डिक्शनरी के बाहर है। इसी के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है, आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल को। समय रात के 10:30 बज चुके हैं, आप नाइट का व्यू देख सकते हैं, बहुत मजा आया आज का दिन। तो हमने होटल के अंदर स्विमिंग यूज की, आपको वीडियो में आपको दिख गई होगी, हमने होटल के अंदर घूमे, हमने आउटर मार्केट का स्ट्रीट फूड को टेस्ट किया, मानसर का छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। इस वीडियो में टच में लास्ट तक रहिए। अभी मैं आपको कलकत्ता का ब्रेकफास्ट दिखाऊंगा कि इस होटल का ब्रेकफास्ट कैसा है, आपको खुद पता लग जाएगा क्यों मैंने आपको रिकमेंड किया। इतना सुपर ब्रेकफास्ट है कि आप जैसे इसके ब्रेकफास्ट टेबल पे भी जाओगे ना, आपको पॉजिटिव वेव आएगी। चलिए अब कल सुबह मिलते हैं, रात का टाइम ज्यादा हो गया, अब सोने का टाइम हो गया है, कल मैं आपको दिखाता हूँ इसका ब्रेकफास्ट कैसा है। बाय, गुड नाइट। सुबह के बज गए हैं 10, अब हम चल रहे हैं ब्रेकफास्ट पे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ ब्रेकफास्ट, चलिए मेरे साथ। यहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट होता है, और यहाँ पे आपका छोटा सा प्ले का एरिया आपको मिल जाता है, जिसमें आपको टेबल टेनिस, आप इसके अंदर आप इजीली कैरम बोर्ड खेल सकते हैं फैमिली के साथ, साथ में अगर आपको चेस का शौकीन है तो आप चेस भी खेल सकते हैं। चलिए अब चेस देखने के बाद हम चलते हैं आउटर एरिया में, ये तो हो गया इनडोर गेम्स, अब कम होटल के अंदर आपको आउटडोर गेम्स भी मिल जाते हैं, आप बैडमिंटन भी इजीली खेल सकते हैं यहाँ पे। लास्ट बट फाइनल अब हम चलते हैं होटल के रेस्टोरेंट में, मैं आपको दिखाता हूँ होटल का रेस्टोरेंट। आप देख सकते हैं होटल के रेस्टोरेंट के एंट्रेंस से लेकर इनर तक आपको होटल के अंदर एक पॉजिटिव वेव दिखती है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको खाने की बेवरेजेस और खाने की आपको स्नैक्स, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ईजिली खा सकते हैं। एप्पल खाओगे? एप्पल खाएगा मेरा बेटा। चलिए इसको एप्पल लेके देते हैं। विदान से थैंक यू बोलो। मूड में नहीं है। थैंक पापा को भी दे दो, अभी दे रहे हो। बाय कर दो, ऐसे कर दो ना, ऐसे बाय, ऐसे वाला बाय कर दो ना। बाय बाय।
हमने होटल से चेकआउट कर लिया है, अब घर की तरफ। अच्छा गया आज का दिन और कल का दिन, बहुत अच्छी मस्ती की। अगर आपको वन नाइट स्टे करना है थोड़ा दिल्ली के आसपास के एरिया में, तो मैं आपको रिकमेंड सोवे सूट का जरूर दूंगा। तो एक बार कंसिडर कर सकते हैं एक दिन आके, 4-5 हज़ार रुपये का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आप गैस ये देखोगे आप रिलैक्सेशन कितने फील करते हो, 2-3 महीने से लगातार काम करने के बाद अगर एक बार चक्कर भी छोटा सा मार लोगे ना यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने खर्चे तो मैं ऐसे ही कर देते हैं यार। ओके, बाय बाय।